दोस्तों नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, फेरे होंगे पर नहीं होगा दूल्हा, 11 जून को खुद से ही शादी रचाएगी क्षमा। माय डियर फ्रेंड, एक लड़की है और उसका नाम है क्षमा। देश की पहली अनोखी शादी होने जा रही है, जो लड़की अपने आप से खुद से शादी करने जा रही है। इसमें कोई लड़का नहीं होगा। आज तक आपने देखा होगा कि जब भी शादी होती है तो दो लोग होते हैं, एक लड़का एक लड़की, लेकिन इसमें लड़का नहीं है, लड़की अपने आप से खुद से शादी करने जा रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ लड़की कहाँ की है और ये कहाँ की रहने वाली है। अहमदाबाद, गुजरात के वडोदरा में 11 जून को देश में संभवतः पहली बार एक अनोखी शादी होने जा रही है। इसमें मंडप भी लगेगा, ढोल बजेगा, दोस्त भी आएंगे और जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी आएंगे। दुल्हन भी सजेगी और मंत्र भी होंगे, पूरी विधि विधान से होगी। मतलब जिस प्रकार से शादी होती है पूरी विधि विधान से शादी होगी, लेकिन इसमें दूल्हा नहीं होगा। लड़की खुद से अपने आप से लड़की शादी करेगी, लेकिन इसमें दूल्हा नहीं होगा। वडोदरा की क्षमा, लड़की का नाम है क्षमा, बिंदु के खुद से शादी करने के ऐलान से देश भर में एक नई चर्चा छिड़ गई है। इस अनोखी शादी को सोलोगामी अनोखी शादी को कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कानून में इसे मान्यता नहीं मिलेगी। मतलब ये विरोध है, मतलब ऐसा नहीं मतलब करना चाहिए इनको। उधर क्षमा बिंदु का कहना है कि मैं बस एक रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना चाहती हूँ और लोगों को खुद से प्रेम करने के लिए प्रेरित करना चाहती है। मतलब उसका मतलब ये है कि मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि लोग अपने आप से खुद से प्यार करें। उसका मतलब ये कहने का मतलब है, प्यार में परेशान होना, बार बार तलाक लेने से तो यह मतलब अच्छा है कि अपने आप से शादी करना। मुझे भी एक लड़के से प्यार हुआ था। लड़की का कहना है कि मुझे भी एक लड़के से प्यार हुआ था, फिर ज़िंदगी में एक लड़की भी आई, लेकिन अब मैं अपना पूरा प्यार सिर्फ खुद को देना चाहती हूँ। उनका दावा है कि वह एक नई शुरुआत कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, देश की पहली अनोखी शादी, हमें चाहिए शादी का जलसा, उसका अगला दिन नहीं। क्षमा कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे प्रिंस चार्मिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपनी महारानी हूँ। मुझे शादी का झलसा चाहिए, लेकिन उसका अगला दिन नहीं। इसलिए तय है कि जो लड़की का नाम छाया है, मतलब जो लड़की का नाम क्षमा है, उसकी शादी 11 जून को खुद से करूँगी। दुल्हन की तरह सजूंगी। पूरा जो शादी में होता है वही होगा, लेकिन इसमें दूल्हा जो लड़का होता है वो उसमें लड़का इन्वॉल्व नहीं होगा। और उसके बाद, हालांकि ये कानूनन सही नहीं है, शादी के लिए दो लोग जरूरी हैं। हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील कृष्णकांत वखारिया ने कहा है कि सोलोगामी कानून स्वीकार नहीं है। भारतीय कानून के तहत आप खुद से शादी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए दो लोगों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये था जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर आप सभी लोगों को पसंद आए तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।